नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी चौहान। स्वागत है आपका अनंत समाचार में। खबरों से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। धारचूला विधायक हरीश धामी के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी में तनाव का माहौल। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। रुड़की में भारत बंद का गंभीर प्रभाव, मुस्लिम कॉलोनियों में बंद रही दुकानें। देहरादून के संतुष्टि अस्पताल में डॉक्टर पे लगा हत्या का आरोप, गलत उपचार देकर महिला को उतारा मौत के घाट। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया श्रद्धांजलि समारोह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ली संविधान की कूटनीतियों पर सत्य और अहिंसा से लड़ने की शपथ। अब खबरें विस्तार से। देशभर में कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ उत्तराखंड के नेपाल बॉर्डर पर बाहर से लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर निश्चित रूप से तैयार नजर आ रहा है, जिसके चलते दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के टमटा ने कहा कि अभी तक अस्पताल में कोरोना वायरस से प्रभावित कोई मरीज नहीं आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीज के लिए बेड लगा दिए गए हैं। इसके साथ उन्होंने कोरोना वायरस के लक्षणों के बारे में कहा कि इसमें जुखाम और सरदर्द के शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं। अभी तक तो दून अस्पताल में ऐसे सिम्टम्स के कोई मरीज नहीं आए हुए हैं। देखो, दून अस्पताल में अभी हमने 9 बेड 1, 4 बेड दूसरा बेड में तैयार करा रहा हूँ। टोटल 13 बेड में तैयार करा दूंगा। 9 बेड हमने कम्प्लीटली तैयार करा दिए हैं। पूरा कमरा स्टेलाइज करा दिया गया है। एक जनरल जुकाम की तरह पेशेंट रिप्रेजेंट करता है, जनरल जुकाम की तरह सर दर्द, गले में खराबी, छींकें आना, खांसी होना, ये इनके कॉमन सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स के आधार पर और हमें लगता है इसमें ये सिम्टम इसके फेवर में जा रहे हैं। इसका टेस्ट सिर्फ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में होता है, दिल्ली में होता है, चंडीगढ़ में। रुड़की में आज भारत बंद का असर पूरी तरह से देखने को मिला। खासकर मुस्लिम बाजार कॉलोनियों में दुकानें पूरी तरह बंद रही। एनआरसी सीएए के विरोध में आज दलित संगठन एवं अन्य संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर रुड़की के बाजार में दिखाई दिया। विशेषकर मुस्लिम कॉलोनियों में मुस्लिम बाजार में पूर्ण रूप से भारत बंद का समर्थन दिया गया था और सभी छोटे बड़े कारोबारियों और अपनी दुकानों एवं प्रतिष्ठानें बंद रखी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन में चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहा और हर प्रकार की गतिविधियों पर नज़र रखी गई। खुफिया विभाग भी सक्रिय नज़र आया और इसके साथ ही विरोध का पूरा असर देखने को मिला। प्राप्त हुए थे जिसमें उन्होंने भारत बंद का एक ऐलान उसमें किया गया था। तो पुलिस सतर्क है, पुलिस सतर्कता से सभी चौराहों पर और मार्केटों में घूम रही है और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। पूरे मार्केट नॉर्मल तरीके से जहां खुलने हैं वो खुले हैं। बुधवार होने के कारण कुछ मार्केट बंद भी है, लेकिन सभी कुछ नॉर्मल चल रहा है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के हाल ही में सचिव पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी में तनाव का माहौल नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित होने के बाद कमेटी के ओर से सौंपी गई सूची में फेरबदल होने के चलते उनका नाम शामिल न होने के कारण हरीश धामी ने इस्तीफा दिया था, जिसको देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि हरीश धामी की नज़रअंदाजगी नाराज़गी जायज़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके संदर्भ में वह दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी से भेंट कर इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जब सूची आउट हुई तो सही बात है कि हमारे धारचूला के सम्मानित विधायक हरीश धामी जी ने अपनी पीड़ा का इजहार किया और मैं कह सकता हूं कि यदि मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी शायद संभवतः इसी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देता, क्योंकि जो सूची हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो हैं, उत्तराखंड के प्रभारी जो हैं, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव संगठन को सौंपी, उस सूची में हरीश धामी जी का नाम कहीं पर भी सचिव में की सूची में अंकित नहीं था, बल्कि उन्हें तो विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जो है सूची में नामित किया गया था। लेकिन जब सूची निकली तो उसमें सचिव के रूप में उनका नाम जो है सामने आया, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं
कि ये सब कैसे हुआ। मैं प्रयास करूंगा सोनिया गांधी जी से भी मिल करके उनसे भी अपनी बात करूँ। मेडिकल सेक्टर व्यवसाय बनता जा रहा है और जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है वही इस व्यवसाय के चलते लोगों की जान से खेल रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ देहरादून के संतुष्टि अस्पताल में, जहां एनेस्थीशियोलॉजिस्ट डॉक्टर जगदीश चाचरा खुद को फिजिशियन बताकर लोगों से गलत इलाज कर रहे थे। डॉक्टर जगदीश चाचरा पर आरोप लगाते हुए नीरज ढींगरा ने कहा कि डॉक्टर उपचार पद्धति के लिए अधिकृत नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी माता विमला ढींगरा की मृत्यु हो गई। कुछ समय पूर्व वो अपनी माता की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर चाचरा के यहाँ उपचार के लिए गए, जिस पर डॉक्टर चाचरा द्वारा गलत उपचार मिलने के कारण उनकी माँ की मृत्यु हो गई। वह अपनी माँ को खोने के दुख में जगदीश ने ठान लिया था कि वह डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। वह साथ ही उनका कहना है कि कुछ बड़े लोगों के दबाव में उनकी FIR दर्ज नहीं करवाई गई। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ किसी और के ऐसा साथ ऐसा ना हो, उन्होंने जो गलत इलाज करा है इसके लिए उन्हें दंड मिले। मैं जो चाहता हूँ जो मेरे साथ हो किसी और के साथ बिल्कुल ना हो, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी का बच्चा। मेरी सिर्फ यही मांग रही है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। ये लापरवाही अगर जो डॉक्टर ने करी है, कोई भी डॉक्टर किसी के साथ ऐसा लापरवाही करे, किसी के साथ दुख ना करे। अब आपके सामने देखिए, ऐसे ही जब मैं भटक रहा था तो इस दौरान मुझे इनका पता लगा, ऐसे एक दो और का पता लगा, ये आ गए हैं, वो लोग पहुँच नहीं पाए। इनके हस्बैंड ने अपने हस्बैंड को इन्होंने खोया, मैंने अपनी माँ को खोया, तो बहुत ही मुश्किल था ये हमारे लिए। इसमें साल भर इसमें रिपोर्ट लग गया, यही कारण रहा जिस वजह से इतना लेट हो गया। डोईवाला के रानी पोखरी न्याय पंचायत क्षेत्र में किया गया बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन, जिसमें 44 विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों मौजूद रहे। बहुउद्देश्य शिविर का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण करना है। शिविर में मुख्यतः बिजली, पानी, सड़क, जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान, सिंचाई, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग व शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर मौके पर ही निस्तारण किया गया व जांच के आदेश दिए गए, जिससे प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी विधानसभा क्षेत्र डोईवाला की जनता की समस्याओं का निस्तारण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। विधानसभा के अंदर न्याय पंचायत रानी पोखरी के अंदर जो ये बहुउद्देश्य शिविर लगा है, इससे क्षेत्रीय जनता को बहुत लाभ पहुंचेगा। बहुत से ग्रामीण ऐसे हैं कि जो DM साहब के ऑफिस में जाने से हिचकिचाते हैं, आज उनके समक्ष खड़े होकर अपनी समस्याओं का जो अपना निराकरण करवा रहे हैं। मैं उसके लिए इस बहुउद्देश्य के आयोजकों को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। काफ़ी समस्याएं थी और काफ़ी लोगों से बहुत दिनों से इस चीज़ समस्याओं के लिए हमको अवगत करा रहे थे, तो मैंने कहा अगर हम एक एक समस्या हम लेके जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो अभी डोईवाला ब्लॉक में हमारी BDC की जब बैठक थी तो मैंने CDO साहब से बहुत रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने हमारी उस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और DM साहब के से रिक्वेस्ट करके यहाँ पर कैंप लगाया और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी आज हमारे क्षेत्र में यहाँ पर आए हैं और समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारी क्षेत्र की जनता के लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और इसमें काफ़ी समस्याओं का निदान भी हो रहा है। बहुत स्पष्ट है कि बहुउद्देश्य है, मल्टीपल पर्पसेस है, उसमें समस्त जितना भी समस्याओं हैं उसको मौके पर ही जो है निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई पेंशन का नहीं मिल रहा है तो आकर के यहाँ प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, पेंशन का जो है सैंक्शन हो सकता है। इस प्रकार का विभिन्न जो भी समस्याएँ हैं वो लेकर के आते हैं और जनपद का जितना भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं और यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, अधिकांश शिकायतें जो है मौके पर ही निस्तारण होता है। कुछ शिकायतें जो है स्थलीय निरीक्षण के बाद जो है निस्तारण होने का रहता है। बसंत पंचमी का त्यौहार क्षेत्र में बड़े उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। ऐसे बसंत पंचमी बसंत के आगाज यानी खुशहाली का त्यौहार माना जाता है, लेकिन इस त्यौहार का एक तरह से पतंगों का त्यौहार भी माना जाता है, क्योंकि इस मौके पर लोग जमकर पतंगबाजी करते हैं। बसंत पंचमी के मौके पर इस बार भी लक्सर व आसपास के इलाकों में लोग पतंगबाजी का मजा लेते नजर आए। बड़ी बात तो ये रही कि मौसम की भी इस त्यौहार पर खास मेहरबानी रही, जिसके चलते लोगों के त्यौहार मनाने का उत्साह दुगना हो गया। दूसरी तरफ पतंग की दुकानों पर दिन भर खरीदारी की भारी भीड़ लगी रही। पतंग उड़ाने का एक अलग ही माहौल होता है, जिसके लिए मैं अपने बच्चे के लिए पतंग लेने आया और आप देख सकते हैं दुकान भी पूरी भीड़ लगी है पतंग के लिए और ये पुरानी परंपरा है। आप भी उड़ाएंगे पतंग? हाँ जी बिल्कुल, ये केवल बच्चों के लिए जा रहे हैं? नहीं, हम भी उड़ाएंगे पूरे उत्साह के साथ। पतंग उड़ाने की बहुत पुरानी परंपरा है।
और आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भीड़ लगी है बच्चों की, तो बच्चों के बीच में बहुत उत्साह है और सब लोग पतंगे खरीद रहे हैं। आज इंडियन ऑयल की ओर से स्वच्छ परिवेश के अंतर्गत CSR के सौजन्य से नगर निगम रुड़की को शाम फिलिंग स्टेशन से के प्रॉपराइटर ललित मोहन अग्रवाल के प्रयासों से नगर निगम रुड़की के शिविर सफाई वाहन दिया गया। इस वाहन से नगर निगम रुड़की की जनता को काफ़ी राहत पहुंचेगी। अक्सर जलभराव और शिविर के बढ़ने के की समस्याएं लगातार बनी रहती है। इस वाहन के आने से कुछ क्षण में जलभराव और शिविर की को पानी को कुछ क्षण में साफ कर दिया जाएगा। वहीं पर उपस्थित मुख्य अतिथि महापौर नगर निगम रुड़की गौरव गोयल ने शाम फिलिंग स्टेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्य नगर आयुक्त रुड़की अंकुर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वाहन की कीमत 25 लाख रुपए है और जो सपना महात्मा गांधी ने स्वच्छता के प्रति देखा था, हम उसी के लिए प्रयासरत हैं। ऑयल कॉरपोरेशन जो देश की एक अग्रणी पेट्रोलियम कंपनी है, उसने अपनी CSR एक्टिविटीज़ के तहत रुड़की नगर निगम को एक ये मशीन दी है जो 25 लाख रुपए की है, जिससे सीवर का जहाँ भी पानी सफाई के लिए आज जो हमारे आदमी अंदर घुसते थे उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और ये मशीन 4000 लीटर इसकी कैपेसिटी है, 3600 लीटर पर LPM के हिसाब से तुरंत सक करके जहाँ भी पानी का चोक होता है उसको साफ़ कर सकते हैं। और से ये एक आपके सामने वाहन है, गिफ्ट किया गया है शहर के सीवरेज को साफ़ रखने के लिए। जल भराव की बहुत सारी जगह हमारी समस्याएं हैं, वहाँ से वाटर निकालेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ इंडियन ऑयल को। आप इस प्रकार के सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहे हैं और रुड़की नगर में स्वच्छता में मैं समझता हूँ देश में प्रथम स्थान लेने जा रहा है। कल हमारी रैंकिंग ऑल इंडिया में 4th नंबर तक पहुँच गई फीडबैक में, सिटीज़न फीडबैक में। और इसके अंदर आप जैसी सामाजिक संस्थाओं का बड़ा अच्छा रोल है और मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि आने वाले 15 अगस्त पर ऐसे लोगों को जिन्होंने नगर निगम में विभिन्न कार्यों द्वारा नगर निगम को सहयोग किया स्वच्छ रखने में, साफ रखने में, आपका सम्मान सार्वजनिक रूप से किया जाए। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर जो गांधी जी ने सपना देखा है स्वच्छता का, उसको साकार करते हुए इंडियन ऑयल की तरफ से हमें CSR फंड के माध्यम से एक ये सकिंग मशीन हमें दी गई है। और निश्चित ही इससे हमें रुड़की नगर निगम एरिया में, जैसे सभी को विदित है कि ज़्यादा जल भराव की समस्या रहती है, तो इससे हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, सिद्ध होगी। ये हमने इंडियन ऑयल के द्वारा एक सीवर मशीन बनवाई और उसको नगर निगम रुड़की को एक तरह से समर्पण किया। आज जैसे फादर ऑफ द नेशन हमारे महात्मा गांधी जी, उनकी जयंती भी है, तो उस अवसर पे ये जो मशीन है हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने अपने पेट्रोल पंप शाम फिलिंग स्टेशन पर इसका कार्यक्रम का आयोजन किया और ये नगर निगम रुड़की को सौंपा। तो जिसमें हमारे इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री वी के मिश्रा जी और रुड़की मेयर श्री गौरव गोयल जी और मुख्य नगर आयुक्त श्रीमती नुपुर वर्मा जी का सहयोग रहा। देश के राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह रखा गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आज के दिन पूरे विश्व भर में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को एकता दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसके साथ प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता ने संविधान को कुचलने वाली ताकतों के खिलाफ सत्य और अहिंसा के साथ लड़ने की शपथ ली। पूरे देश और दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने देश के कांग्रेसजनों का आह्वान किया कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस को जो है एकता दिवस के रूप में मनाने का काम करें। और उसी कड़ी में पूरे प्रदेश के अंदर एकता दिवस के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस शहादत दिवस को मनाया गया और यहाँ देहरादून में भी जो है राष्ट्रपिता को जो है इसी तरीके से हमने याद किया। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनंत समाचार।